हेलो बच्चों, 6.3 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन शुरू करेंगे आज से, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 कर रहे हैं। ये पेज नंबर हम कितने कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 4 कर चुके थे, ठीक है। चलो वो पेज देख लेंगे, कौन सा पेज था वो। 8 कर चुके, ठीक। 9वां पेज नंबर है, कौन सा पेज नंबर 9 पर मिल गए, ठीक है। चलो देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ये कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में क्या दे रखा है, हमें दो फंक्शन रखे, 2x-1 और 3-6x। ये कब है, वन x इज़ लेस देन 1/2, और ये कब है, वन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। और क्या कहता है, एट x इज इक्वल टू 1/2 पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं इसकी, इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, किस पर, एट x इज इक्वल टू 1/2 पे, ठीक है। तो 1/2 पे चेक करना है, पॉइंट क्या हो गया, 1/2। इस पे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। दोनों इक्वल आएंगे तब तो क्या होगा, ये डेरिवेबल, अदरवाइज नॉट डेरिवेबल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दिया करो, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx-f(a) अपॉन x-a। अब a क्या है, पॉइंट है जिस पे हम चेक कर रहे हैं डेरिवेबिलिटी। तो a के लोग यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो जहाँ पर भी 1a है वहाँ पे 1/2 रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जहाँ पर आपको a दिखे वहाँ पे 1/2 रख देंगे। इसमें भी जहाँ पर a वहाँ क्या रखेंगे, 1/2। जहाँ पर भी a दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे, 1/2। यहाँ a था, यहाँ पे 1/2 रख देंगे, ठीक है। अब देखो, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। बस पहले क्या कहते हैं, x जब 1/2 से लेस हो, इरा व्हेन x इज लेस देन 1/2, तो फंक्शन के लिए क्या हो गया, 2x-1। तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, 2x-1, ये तो हो गया फंक्शन। अब हमें फंक्शन के लिए निकालनी है 1/2 पे। तो इसमें इसी फंक्शन में जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे, 1/2, जहाँ x वहाँ 1/2-1 अपॉन ये एज इट इज, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस क्या होगा, 2x-1, ये कट जाएगा, 1-1 का 0 अपॉन x-2, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, इन दोनों में 2 को मैं निकाल दो, तो यहाँ क्या होगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/2, नीचे क्या है, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बच गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या गया, 2। अब राइट लिमिट को सॉल्व करो, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, ठीक है। तो करो स्टार्ट, देखो 1/2 प्लस, यानी 1/2 से ज़्यादा हो x, तो फंक्शन के लिए क्या हो गया, 3-6x। तो जहाँ एफ एक्स वहाँ क्या रखेंगे, 3-6x। अब रखेंगे 1/2, तो इसी फंक्शन में जहाँ x वहाँ रखेंगे 1/2 अपॉन x-1/2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस 3-6x, ये क्या होगा, -3, और ये होगा प्लस का 3, आइए, ठीक है। x-1/2, 3 कैंसिल। अब देखो ऊपर हमें कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, -3 को मैं निकालते हैं, या -x को मैं निकालता हूँ। -x निकालो तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव x आएगा, इसको -x से भाग देंगे तो क्या होगा, -1/2 हो जाएगा, आप कौन वैल्यू कट जाएगा, क्या होगा, -x आया। क्या ये दोनों इक्वल है, लिखना, बिकॉज लेफ्ट एंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट एंड डेरिवेटिव। सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 पर क्या फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, ठीक है, ये हमने ऐसे करना है। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, ठीक है। देखो ये थोड़ा ध्यान से समझना, फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसा है, तो मैं दोनों कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसकी जो रकम है वो आगे लिखते हैं, चलो इसमें लिख देता हूँ। फंक्शन क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, यहाँ क्या हुआ, bx प्लस 2। अच्छा ये कब है, वन x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ये कब है, जब n वन x इज़ मोर देन 1, ठीक है। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल दे रखा है एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। देखो
क्या रखा है मुझे ये बताओ, फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है, फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है फॉर एवरी एक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फंक्शन क्या है, चलो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को बार बार पेज निकालेंगे, इससे बढ़िया यहाँ पे फिर से मैं इसको फंक्शन को उतार देता हूँ, क्या देखो क्या फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस टू, और यहाँ क्या एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, ये क्या एक्स इज मोर देन वन, ठीक है, क्या कहते हैं फंक्शन डेरिवेबल है एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की चाहे कोई वैल्यू रखो सब पे क्या फंक्शन डेरिवेबल है, ये मैं दिया हुआ है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ए बी इक्वल निकालो, चलो देखो क्या दे रखा है, लिखता हूँ बिकॉज फंक्शन इज डेरिवेबल डेरिवेबल एट एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर पे डेरिवेबल है, सो क्या होगा जब सभी रियल नंबर है तो क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो डेरिवेबल एट, इट इज़ ऑल्सो डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, क्यों भाई अगर सभी फंक्शन पे डेरिवेबल है तो वन पे भी क्या होगा डेरिवेबल होगा, और इसका मतलब क्या होगा वन पे डेरिवेबल है तो एट एक्स इज इक्वल टू वन क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सही है, मतलब होगा नहीं होगा, तो अब लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्ट निकालो राइट डायरेक्ट निकालो दोनों इक्वल कर देंगे अपना भी और भी इक्वल आएगी, तो कर दें स्टार्ट, लेफ्ट हैंड डायरेक्ट क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए की जगह वन लिख देंगे वन माइनस, फंक्शन क्या होगा एफ एक्स माइनस एफ है ए की जगह वन क्योंकि हम वन पे चेक कर रहे हैं, अपॉन एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस वन हो जाएगा, जहाँ ए है वहाँ पे वन रख देंगे, राइट लिमिट में क्या होगा ए वन प्लस है यहाँ पे वन, यहाँ वन माइनस था यहाँ पे क्या जाएगा वन प्लस, बाकी एच डी एस, ठीक है करो सिंप्लीफाई, वन से बढ़ाओ वन से छोटा जब एक्स वन से कम हो, यहाँ जब एक्स इज लेस देन वन है तो फंक्शन क्या लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए, ये तो क्या एफ एक्स माइनस एफ वन, इसी फंक्शन में जहाँ एक्स वहाँ पे वन रखेंगे हम, जो फंक्शन यहाँ पे लेते हैं उसी में रखते हैं एक्स की वैल्यू, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे वन है तो वन रखेंगे इसके अंदर, ठीक है क्या होगा वन का स्क्वायर थ्री इंटू वन थ्री प्लस ए, ये आएगा है ना, अब उन क्या होगा एक्स माइनस वन, अच्छा जी अब राइट हैंड राइट क्या कहता है वन प्लस वन से बड़ी हो, जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी तो फंक्शन क्या होगा बी एक्स प्लस टू, तो जहाँ एफ एक्स है वहाँ पर बी एक्स प्लस टू रख देंगे, एफ वन क्या होगा इसमें जहाँ एक्स है वहाँ रख देंगे वन एफ वन आ जाएगा, तो क्या होगा बी इंटू वन बी बी प्लस टू हो जाएगा, ये हो गया फंक्शन एफ वन अपन एक्स माइनस वन, ठीक है भाई अब क्या होगा यहाँ बताओ, बोलो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए चार आ गया चार तीन और एक चार माइनस चार हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस टू से टू कर देगा बी को मैं निकाल देंगे, यहाँ क्या होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये भी कट जाएगा, यहाँ क्या होगा बताओ यहाँ क्या होगा देखो ये और ये कैंसिल, यहाँ क्या होगा बताओ इसका फैक्टर क्या होंगे एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन, यहाँ क्या होगा एक्स माइनस वन, ठीक है यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा बी बचेगा, अब देखो ये भी कट जाएगा कटेगा ना इसमें जहाँ एक्स वहाँ रख देंगे वन, तो वन प्लस फोर इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू कितनी आई बेटा पाँच आ गई, क्या बी की वैल्यू पाँच, तो बी की वैल्यू निकाल पाए आप, ए की तो आई नहीं, अब हमें ए की भी चाहिए थी, अब देखो अब आपको मैंने कंसेप्ट लिखवा रखा है, एक चीज़ लिखवा रखी, एक टॉपिक एक क्या नाम पॉइंट लिखवा रखा है, क्या था वो पॉइंट कि जब कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर डेरिवेबल है तो उस पॉइंट पे क्या क्या होगा वो कंटिन्यूस भी होगा, होगा नहीं होगा, वन पे क्या दे रखा हमें डेरिवेबल, तो वन पे क्या होगा कंटिन्यूस भी तो होगा, तो एट एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूटी निकाल लो, ठीक है मतलब कंटिन्यूस है तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट बराबर होंगे, तब यहाँ लिखना ये बात लिखो यहाँ पे बिकॉज फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, ये तो मैं दे रखा था डेरिवेबल है तो क्या फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है, इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, और अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट क्या होंगे बराबर, ठीक है लेफ्ट लिमिट निकालो वन माइनस एरा एक्स जब वन से कम है तो फंक्शन क्या लोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए, राइट लिमिट क्या हो गया यहाँ पे वन प्लस वन से बड़ा हो फंक्शन, तो यहाँ फंक्शन क्या लोगे बी एक्स प्लस टू,
ठीक है, अब कर दो स्टार्ट। लेफ्ट में कैसे निकालोगे, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ आ नहीं रहा तो डायरेक्टली वन रख देंगे, वन का स्क्वायर वन प्लस थ्री प्लस ए, रख देंगे बी इन टू वन का बी प्लस टू, तो फोर प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस टू। ए के लिए क्या हो गया, बी की जगह रखेंगे फाइव, फाइव प्लस टू और फोर इधर आ जाएगा, तो ए कितना होगा सेवन में गया फोर थ्री से कह लो, ए के लिए क्या आ गया थ्री आ गया। तो इसके अंदर क्या हो गया, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों का ही यूज़ हो गया ए और बी को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने ऐसा करना है, सिंपल था ना, सेम बिल्कुल सेम एज इट इज। अगला जो पार्ट है वो हो जाएगा सेम, अगला जो है ना वो देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ, सॉरी सिक्स, देखो सिक्स क्या कहता है, सिक्स देखो फंक्शन दे रखा है क्या, एक्स स्क्वेयर और ए एक्स प्लस बी दो दे रखे फंक्शन की वैल्यू, ये कब है वन एक्स इज लेस इक्वल टू सी, और ये क्या है जब एक्स इज मोर देन सी है, ठीक है। क्या कहता है ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन क्या दे रखा है हमें, डेरिवेबल दे रखा है किसके ऊपर, सी के ऊपर, फंक्शन डेरिवेबल है। देखो हमें पता है एट एक्स इज इक्वल टू सी फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है, फंक्शन इज डेरिवेबल, ठीक है, डेरिवेबल है तो क्या होगा, सो लेफ्ट एंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट एंड डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा, तो लेफ्ट एंड डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं, ठीक है। ए माइनस होता है, लेफ्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटेंड्स टू ए माइनस, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस, ए क्या होता है वो पॉइंट जिस पर चेक कर रहे हैं, जिस पर चेक कर रहे हैं सी पर कर रहे हैं, तो क्या होगा सी माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देंगे एफ एक्स माइनस एफ ए, ए की जगह सी हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा। राइट एंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। जाए शुरू, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस सी से कम, जब एक्स सी से कम है तो फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, जहाँ एफ एक्स हमारे देंगे एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ सी क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स हमारे देंगे सी, इसमें जहाँ एक्स हमारे देंगे सी, क्या होगा सी स्क्वायर आ जाएगा। इधर आ जाओ सी प्लस पे क्या होगा, देखो जब एक्स सी से बड़ा हो तो फंक्शन के लिए क्या होगी, ए एक्स प्लस बी, ये ए एक्स प्लस बी आ गया। एफ सी क्या होगा, इसी फंक्शन में जहाँ एक्स हमारे रखेंगे सी, तो वह ए सी प्लस बी आ जाएगा, क्या आएगा ए सी प्लस बी, ठीक है ना, कितना इजी है। आगे देखो ध्यान से, इसके बनाओ फैक्टर एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस सी, आपको नीचे क्या है एक्स माइनस सी, ठीक है, बी से भी कर देगा, ए कॉमन निकाल देंगे, कर देगा ये तो कर देगा, एक्स दे रख देंगे सी ए, तो ए के लिए क्या आ गया टू सी, ए के लिए क्या आ गया टू सी। अब देखो ए की वैल्यू तो आ गया, इस बार क्या है बी की वैल्यू नहीं आई, तो क्या करोगे, वही कंसेप्ट पीछे वाला, फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो क्या होता है कंटिन्यूस भी तो होगा, अगर सी के ऊपर फंक्शन डेरिवेबल है तो सी पे क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूस भी तो होगा। तो लिखना बिकॉज फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, सो क्या होगा, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ये क्या होगा कंटिन्यूस होगा किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। और जब ये कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, सी के ऊपर लेफ्ट लिमिट क्या होगा सी माइनस, है ना, सी माइनस प्लस ये रहा, जब फंक्शन क्या होगा, जब एक्स सी से कम होगा तो फंक्शन के लिए क्या होगी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो आएगा एक्स स्क्वायर। राइट लिमिट क्या होगी, बोलो लिमिट एक्सटेंड टू सी प्लस, सी प्लस मतलब सी से ज़्यादा हो फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसमें जहाँ एक्स हमारे देंगे सी स्क्वायर, इसमें जहाँ एक्स हमारे देंगे सी, ए सी प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है टू सी, ए की वैल्यू तो हम निकालते हैं टू सी, टू सी इंटू सी प्लस बी, तो क्या होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर कर देंगे मल्टीप्लाई बी, बी के लिए क्या होगा इसको दे लेंगे सी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ए और बी आ गया हमें, ये हमने निकालना था, ठीक है। तो ये तुमने ऐसे करने क्वेश्चन, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब आ जाओ नौ, ये पेज नंबर देता हूँ मैं दस, ठीक है, ये देता हूँ ग्यारह, अब आ जाओ पेज नंबर बारह,
ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी का पेज वन से स्टार्ट कर दिया हमने, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स, ठीक है ना, सिंपल था। अब आ जाओ आगे, कौन सा सेवन्थ, क्या कहते हैं सेवन्थ, एक फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दे रखा फंक्शन, क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है एट एक्स इक्वल टू वन पे, ये प्रूव करना है। कहता है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे ये प्रूव करो कि ये फंक्शन डेरिवेबल है, ठीक है, डिफरेंशियबल है, और फिर क्या करना है एफ डैश वन निकालना है। चलो पहले देखो, तो पहले क्या करेंगे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी इसकी, तो क्या करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो निकालो लेफ्ट डेरिवेटिव का फॉर्म क्या होता है, एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ए क्या होता है पॉइंट जिसमें हम चेक कर रहे हैं, किस पर चेक कर रहे हैं वन पे कर रहे हैं, तो वन लिखेंगे एक्स की जगह वन लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे वन, तो वन माइनस हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, वन से कम एक्स क्या होगा, वन से कम लोगे तो फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसमें जहाँ एक्स वन रखते वन, यहाँ क्या होगा वन का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा एक्स माइनस वन, तो इसके फैक्टर क्या होंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कट जाएगा, इसमें जहाँ एक्स हमारे देंगे वन, वन प्लस वन के बाद टू, ठीक है। अब निकाल देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, चलो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, ए की जगह रख देंगे वन, वन प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, वन प्लस मतलब वन से ज़्यादा हो तो यहाँ क्या करेंगे, जहाँ एफ एक्स वहाँ पर एक्स को रख देंगे एफ वन, इसमें जहाँ एक्स वहाँ रख देंगे वन, तो क्या आएगा वन का स्क्वायर आएगा अपॉन एक्स माइनस वन, तो क्या होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये कट जाएगा, इसमें जहाँ एक्स वहाँ रख देंगे वन, वन और वन के बाद टू, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया, तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस ना डेरिवेबल, लिखना बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो क्या होगा फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, फंक्शन क्या हुआ डेरिवेबल हो गया, ठीक है, डेरिवेबल तो हो गया। अब क्या करना है, अब हमने इसकी वो और निकालना है एफ डैश वन और निकालना है, पता है एफ डैश वन का मतलब क्या होता है, पता है आपको एफ डैश वन का मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना वन के ऊपर, तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव से क्या मिलता है हमें, फंक्शन का डेरिवेटिव तो मिलता है, तो डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे दोनों साइड टू है, तो क्या हो गया इसका टू ही तो आंसर आएगा, याद है, देखो एफ डैश सी का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ डैश सी अपॉन एक्स माइनस सी, क्या ये फंक्शन का डेरिवेटिव है सी पॉइंट पे, और उसका फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूले यही तो थे, बस क्या फर्क था लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाली थी, जब वो इक्वल आ रही है तो मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये जब एग्जिस्ट करती है इसकी जो वैल्यू सेम आ रही है तो इसकी वैल्यू भी तो टू ही आएगी, टू आएगी तो क्या होगा एफ डैश सी क्या होगा टू, सी की जगह वन रखेंगे पॉइंट तो क्या होगा एफ डैश वन की जगह टू, तो टू ही था, ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से और राइट हैंड डेरिवेटिव से क्या मिलता है हमें फंक्शन का डेरिवेटिव ही मिलता है, ठीक है, बशर्ते वो एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल, ठीक है। आठवें का पहला पार्ट देखो, दो पार्ट है दोनों में से मैं एक करा रहा हूँ आपको, ठीक है, दूसरा आप करना, दोनों एक जैसे है। मैं करा रहा हूँ आपको फंक्शन दे रखा हमें मोड ऑफ एक्स प्लस टू, क्या दे रखा हमें फंक्शन मोड ऑफ एक्स प्लस टू, ये फंक्शन दे रखा है, क्या कहता है चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है एट एक्स इक्वल टू आर, ये चेक करना है फंक्शन रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, क्या करना है शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है किसके ऊपर एट एक्स इक्वल टू आर बट नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। देखो क्या कहता है, ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है सभी रियल नंबर पे, एक तो ये प्रूव करने में, ठीक है, और क्या करना है लेकिन डेरिवेबल नहीं है किसके ऊपर टू के ऊपर, तो पहले डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हो, पहले हम क्या करेंगे डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, ये फंक्शन डेरिवेबल कब होगा जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव टू के ऊपर, यानी एट एक्स इज इक्वल टू किसके ऊपर माइनस टू दे रखा है, माइनस टू के ऊपर चेक करना है इसकी डेरिवेबिलिटी, तो डेरिवेबिलिटी के लिए क्या करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों इक्वल आ गए तो क्या होगा फंक्शन डेरिवेबल, दोनों इक्वल नहीं तो क्या होगा फंक्शन नॉट डेरिवेबल,
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू, जिस पर चेक करें वो है ए की वैल्यू, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ए की जगह माइनस टू रख देंगे, एक्स माइनस माइनस टू, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान, माइनस टू से कम कहता है फंक्शन, माइनस टू से कम है ना, इसको पहले डिफाइन कर ले, इसको हम पहले डिफाइन कर लेते तो और बढ़िया रहता, अगर हम इसको डिफाइन करते ना तो और बढ़िया रहता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं इसमें बता देता हूँ। तो क्या होगा बताओ, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन मोड ऑफ एक्स प्लस टू, डिफाइन कर लेते तो और सिंपल हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने, तो अपन सीधा कर देंगे, कोई बात नहीं, एफ एक्स टू ही आ गया, ठीक है। मोड ऑफ ना एफ ऑफ माइनस टू निकालो, तो इसमें माइनस टू रख देंगे, सीधे माइनस टू, तो क्या होगा जीरो आ जाएगा, माइनस टू प्लस टू क्या होगा जीरो आ जाएगा, जीरो का मॉडुलस जीरो ही होता है, ठीक है। बताओ यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ये आएगा। अगर हम इसको डिफाइन कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, तो इसकी वैल्यू क्या आती, एक्स प्लस टू ही आती। चलो मैं इसको यहाँ डिफाइन करके दिखा देता हूँ, आपने पहले कर रखा डिफाइन, बता देता हूँ क्या स्टेप थे, जब इसको जीरो के कल रखोगे तो क्या आ गया एक्स की वैल्यू, बोलो क्या आ गया एक्स की वैल्यू। मैं इसको डिफाइन करके दिखा देता हूँ आपको, साइड में एक पेज लेके, वैसे मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है, अच्छे से समझा रखा आपको, कोई घबराने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ आपको, ठीक है। मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है ना, जो भी फंक्शन मॉडुलस के अंदर, पहले उसको जीरो की को लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक, मैं एक पेज लिखा है, वो इस पर बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि फंक्शन क्या अपना एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मोड ऑफ एक्स प्लस टू, क्या करना है इसको डिफाइन करने बता रहा हूँ, ठीक है, क्या करूँ मैं इसको डिफाइन करना बता रहा हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान से बस। क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने अब कर चुके हो ये काम, सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो सबसे पहला तो स्टेप है इसको जीरो की को लिखेंगे, पुटिंग एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स के लिए क्या आ गया यहाँ पे माइनस टू आएगा। फिर क्या करते हैं, नंबर लाइन लेते हैं हम, माइनस टू लिखेंगे। अब देखो इसमें दो केस बन जाएंगे, क्या या तो एक्स की वैल्यू माइनस टू से कम होगी, या माइनस टू से ज़्यादा, या फिर खुद माइनस टू होगी, तो तीन केस बन जाएंगे ना। तो क्या होगा, इसको डिफाइन कर देंगे तीन तरीके से, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस टू, एक्स इज मोर देन माइनस टू, और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो माइनस टू से बड़ी लेके देख लो, पहले हम बड़ी वाले ये ले रहे वाले, चलो एक्स जब माइनस टू से बड़ा लोगे तो माइनस टू से बड़ा क्या ले ले, माइनस वन जीरो वन टू जो मर्जी ले लो, इसमें रखो जरा, माइनस टू से बड़े क्या ले, माइनस वन ले लो, माइनस वन प्लस टू क्या होगा वन, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है मॉडुलस के अंदर, क्या आ रहा है पॉजिटिव नंबर। तो फिर जब पॉजिटिव खुद आ रहा है तो फिर हटा दो मॉडुलस को, बाहर पॉजिटिव रहने दो, ठीक है। ये तो ये होगा डिफाइन, एक्स अगर माइनस टू से कम लोगे, माइनस टू से कम लेके देख लो क्या ले, माइनस टू से कम क्या ले, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स ले लो कोई भी, माइनस थ्री लेते हैं, माइनस थ्री जब आप यहाँ लोगे तो माइनस थ्री में जोड़ेंगे टू क्या होगा माइनस वन, ये नेगेटिव आ रहा है रूट के ना मॉडुलस के अंदर, क्या रहा है नेगेटिव टर्म, हटा देंगे इसको और बाहर नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। और माइनस टू के ऊपर रखो, माइनस टू रखेंगे तो यहाँ क्या होगा जीरो, फंक्शन क्या आएगा जीरो आएगा, ओके डिफाइन। तो ये जो हमने डिफाइन किया ना, ये हम यहाँ लिखते हैं, ये मैं करवा चुका हूँ कंटिन्यूटी में, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको है ना डिफाइन तो कर दिया, वो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या था डिफाइन करे था, क्या आया था, ये तो फंक्शन था, कब था ये, इफ़ एक्स इज़ लेस देन माइनस टू, और एक्स प्लस टू था कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, और जीरो कब है, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये बेटा ग्रेटर देन माइनस टू है ये, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया डिफाइन कैसे हुआ, तो अब करें स्टार्ट। अब देखो, अब आप इस पर आ जाओ इस क्वेश्चन पे, तो अब देखो यहाँ पे, तो अब देख रहे हो फंक्शन ये था ना, जब ये क्या एक्स माइनस टू से कम, माइनस टू के ऊपर माइनस लगा हो ना, तो इसमें क्या हो गया माइनस टू से कम है फंक्शन, तो जब एक्स इज लेस देन माइनस टू तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, तो इसकी जगह क्या आएगा बेटा माइनस ऑफ एक्स प्लस टू आ जाएगा, और यह क्या है कट जाएगा, कितना आया माइनस वन, लेफ्ट हैंड डेरेटिव कितना आया माइनस वन। अब निकाल देंगे राइट हैंड डेरेवेटिव,
ठीक है, राइट डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, माइनस टू प्लस, यहाँ पे माइनस टू माइनस था, यहाँ पे माइनस टू प्लस था, बाकी फंक्शन वो क्या हुआ, एफ एक्स माइनस एफ ओ माइनस टू अपॉन एक्स माइनस माइनस टू। ठीक है, कर दो स्टार्ट। माइनस टू से बड़ा फंक्शन कह रहा है, जब एक्स माइनस टू से बड़ा है तो फंक्शन के लिए क्या हो गया, एक्स प्लस टू, यहाँ जाएगा एक्स प्लस टू, इसकी जगह एक्स प्लस टू हो जाएगा। एफ ओ माइनस टू, यहाँ जो फंक्शन ले रखा उसमें रखेंगे जहाँ एक्स वहाँ माइनस टू, तो माइनस टू प्लस टू आएगा अपॉन एक्स प्लस टू जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बच्चा बताओ, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू कट पिट के क्या आएगा यहाँ पे, वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ये फंक्शन क्या है, माइनस टू पर डेरिवेबल नहीं है। आठ का पहला पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, पता लगे आपको ये फंक्शन क्या है, माइनस टू पर डेरिवेबल नहीं है। अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट, मैंने जो कंसेप्ट समझाए थे, अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो आप बेटा इसको है ना और ग्राफ से भी कर सकते हो, ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी बता सकते हैं डेरिवेबिलिटी, ठीक है। पेजेस नहीं है मेरे पास, पेज ख़त्म हो गए, तो चलो फिर ये अगले, ये पार्ट अगले उसमें करेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो एट का फर्स्ट पार्ट है वो अगले उस वीडियो में कराता हूँ। हाँ, तो अब देखो इसे मैं बता देते हैं, मैं पेज लिया हूँ बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से। अब एट्थ का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या, डिफरेंशिएबिलिटी तो हमने चेक कर दी, क्या माइनस टू पर ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। अच्छा, मैं ग्राफ का जिक्र कर रहा था कि अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो कैसा होगा, ठीक है, और डेरिवेबिलिटी दूसरे तरीके से हो, ठीक है। अगर मान लेते मैं ये फंक्शन ले रहा था, मैं क्या था फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू, अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं यानी इसको वाई मान लेंगे तो क्या करेंगे, देखो प्रॉपर टेबल बना देंगे, इसको जीरो के को लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी ना, तो कुछ वैल्यू माइनस टू से कम ले लेंगे, कुछ वैल्यू माइनस टू से बड़ी ले लेंगे, ठीक है। माइनस टू मैंने यहाँ ले लिया, इस साइड लूँगा माइनस टू से बड़ी, माइनस वन ले लिया, जीरो ले लिया, दो वैल्यू बहुत है, इधर माइनस टू से छोटी ले लेंगे, ठीक है, मैंने ये वैल्यूज ले ली। माइनस फोर रखो यहाँ पे, माइनस फोर में जोड़ेंगे टू, क्या आएगा माइनस टू आएगा, माइनस टू का मॉडुलस प्लस टू हो जाएगा, क्या रखेंगे माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस टू क्या होगा माइनस वन, माइनस वन का मॉडुलस प्लस वन, रखेंगे माइनस टू, माइनस टू प्लस टू क्या होगा ज़ीरो, ज़ीरो का मॉडुलस ज़ीरो, रखेंगे माइनस वन, माइनस वन प्लस टू क्या होगा वन, वन का मॉडुलस वन, क्या रखेंगे ज़ीरो, ज़ीरो प्लस टू टू आएगा, टू का मॉडुलस टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जरा इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा वन आ गया, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री है, यहाँ फोर है, एक्स की वैल्यूज़ है, ये क्या वाई की वैल्यूज़ है। अच्छा, एक्स की वैल्यूज देखो नेगेटिव ले रहे हैं हम सारे, तो नेगेटिव की तरफ अच्छा कोई बात नहीं, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस का फोर, ठीक है, चलो करो स्टार्ट है। देखो क्या एक्स की वैल्यू के माइनस फोर, वाई की वैल्यू टू, तो ये वाई की वैल्यू वन है, ये माइनस टू है, ठीक है, तो x के लिए माइनस फोर ये रही, वाई के लिए टू का है, जाओ इसके ऊपर और बिल्कुल माइनस टू के सामने वाला पॉइंट ये लगा दो, माइनस थ्री पे वन, माइनस थ्री ये रहा और वाई के लिए वन ये रही, तो माइनस थ्री से ऊपर और वन के सामने वाला पॉइंट ये रहा। फिर क्या कहता है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आई, ये वाला पॉइंट, अब क्या कहता है माइनस टू पे जीरो है, तो माइनस टू पे जीरो कहाँ होगा, यहीं होगा ना, क्योंकि वाई जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, तो y जीरो है इसके अंदर, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे कहाँ मिलेगा, जहाँ x के लिए माइनस टू है, माइनस वन पे वन, जब x के लिए माइनस वन है तो y के लिए वन, और जीरो पे कितनी है टू, जीरो पे टू हो गई। तो अगर ढंग से देखोगे तो ये ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा ग्राफ है ना ऐसे आया, ठीक है, क्योंकि हमने ना क्या करा, हमने बगैर उसे खींचा है, बगैर स्केल खींचा है, तो ये लगभग ऐसे आया, देखो ऐसे जाता हूँ, यहाँ पे माइनस टू है तो ऐसे ले, ऐसे इसका मैंने मिरर इमेज बना दी यहाँ पे, ये ग्राफ ऐसे आएगा। अब देख रहे हो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे क्या है शार्पनेस बन रही है ना, इस फंक्शन पे स्लोप निकालना इम्पॉसिबल है, तो फंक्शन का डेरिवेबल नहीं है, है ना, पता लगे ना, यहाँ पे भी कर्व के अंदर शार्पनेस हो फंक्शन क्या होगा, नॉट डेरिवेबल। तो आप ऐसे भी बता सकते हो ग्राफ बना के भी, तो ग्राफ बना करो तो यहाँ क्या लिखोगे, बिकॉज फंक्शन हैज़
शार्पनेस किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू पे क्या शार्पनेस है, ढंग से लिखो स्पेलिंग शार्पनेस, ठीक है। सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। इसमें हमने कोई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट डेरिवेटिव नहीं निकाला, हमने वैसे निकाल दिया, ठीक है। एक तरह का ये है डेरिवेटिव का, ये तो क्या डेरिवेटिव का। अच्छा कंटिन्यूटी और चेक करने है, कंटिन्यूस तो कहता है हर रियल नंबर पे ही हमें प्रूव करना है, तो ग्राफ से दिख रहा है, जब इसको इधर बढ़ा दो कितना भी, इसको इधर बढ़ा देंगे तो एक्स वैल्यू क्या है रियल नंबर, ये ग्राफ बगैर ब्रेकिंग के है, कहीं ब्रेकिंग नहीं आ रही, दिख भी रहा हमें, तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूस भी है, तो हर रियल नंबर पर क्या है कंटिन्यूस है, ये तो हमने चेक कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन हमें प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या लिखो यहाँ पे कंटिन्यूटी लिखो, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी कंटिन्यूटी चेक करनी है सभी रियल नंबर पे, ये तो फंक्शन क्या था अपना, फंक्शन मैं फिर से लिखता हूँ, ये था फंक्शन, हमने इसको डिफाइन किया था, तो क्या आया था याद है, हमने पिछले डिफाइन कर रखा, देख लेना आप, वो तो इसका आ गया, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, जब x लेस देन माइनस टू है तो क्या होगा माइनस ऑफ x प्लस टू, वन x इज मोर देन माइनस टू है तो क्या होगा पॉजिटिव x प्लस टू, और जब x इज इक्वल टू माइनस टू है इसके लिए क्या जीरो, ये मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे बताओ, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे कंटिन्यूटी के, राइट लिमिट निकालेंगे और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, सब बराबर है तो क्या होगा, ठीक है, नहीं सॉरी माइनस टू पे नहीं करना हमें, हमें तो सभी रियल नंबर पे चेक करना है, तो जब आप ऐसे वो नंबर लाइन बनाओगे तो माइनस टू आएगा यहाँ पे, तो क्या क्या सही है यहाँ पे देखो, या तो एक्स वैल्यू माइनस टू से कम होगी या माइनस टू से ज़्यादा होगी या खुद माइनस टू होगी, तो है ना, तो अपने पास कितने, अपने पास केस कितने बनेंगे, इसमें तीन केस बन जाएंगे, तो केस नंबर फर्स्ट क्या बताओ, इफ एक्स इज लेस देन माइनस टू तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा, होगा ना फंक्शन, फंक्शन कैसा है ये बताओ, क्योंकि हमें इंटरवल पे करनी है ना कि किसी पॉइंट पे, तो वो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, कंटिन्यूटी सेकंड एक्सरसाइज का टाइप होगी, ये फंक्शन कैसा पॉलीनोमियल है, देखो यहाँ पे बिकॉज एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल, ठीक है, सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। सेकंड केस क्या होगा, इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू माइनस टू तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये आएगा एक्स प्लस टू आ जाएगा, ये भी क्या है पॉलीनोमियल है, तो ये क्या कंटिन्यूस होगा, ठीक है, तो लिखना बिकॉज फंक्शन इज ऑल्सो ए पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल है तो क्या होगा, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, नहीं इज कंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, माइनस टू से कम पे कंटिन्यूस है, माइनस टू से ज़्यादा पे कंटिन्यूस है, अब क्या रह गया, अब रह गया एट थर्ड केस, क्या थर्ड केस, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर चेक करो, तो माइनस टू पर चेक करोगे तो क्या करोगे, लेफ्ट लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू माइनस, ठीक है, तो माइनस टू से कम होगा तो फंक्शन वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू ही आ जाएगा, ठीक है। राइट लिमिट लेंगे तो लिमिट क्या होगा, माइनस टू प्लस हो जाएगा, एक्स लिमिट क्या होगी, माइनस टू प्लस, तो माइनस टू प्लस लोगे तो क्या होगा, बोलो फंक्शन वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस टू हो जाएगी, ठीक है। इसमें रख दो एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो क्या होगा माइनस टू प्लस टू क्या होगा, यहाँ पे जीरो आ गया, इसमें रख देंगे जहाँ एक्स वहाँ माइनस टू, माइनस टू प्लस टू क्या होगा जीरो आ जाएगा, दोनों जीरो आ गए, एफ ऑफ माइनस टू पे निकाल दो, माइनस टू पे फंक्शन वैल्यू क्या है जीरो, तो यहाँ पे जीरो, तो क्या होगा लिखना, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू, सब बराबर है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, नहीं ठीक है। इसका आप देखो माइनस टू पे भी कंटिन्यूस है, माइनस टू से कम पे भी कंटिन्यूस था फर्स्ट केस, और सेकंड केस में क्या था माइनस टू से बड़े पे कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि फंक्शन क्या है इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, हर वैल्यू पे क्या कंटिन्यूस हो गया,
तो कंटिन्यूस हो गए हर वैल्यू पे और क्या है, बट डेरिवेबल नहीं है माइनस टू के ऊपर, यही प्रूव करना था, ये हमें दोनों पार्ट में कर दिया। ठीक है, सेम बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है 8th का सेकंड पार्ट, ये आप इन्हें खुद करना है। लास्ट क्वेश्चन है 9वां, ये मैं बता देता हूँ लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th, इसको और कर दो, ये ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो आगे देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, क्या कहते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, ये डेरिएबल नहीं है प्रूव करना में, क्या प्रूव करना है कि एट एक्स इज इक्वल टू टू पे ये फंक्शन डेरिएबल नहीं है। तो चलो डेरिएबिलिटी के बारे में चेक करेंगे, पहले इसको डिफाइन करते हैं, है ना, डिफाइन करना फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन पुट करते हैं, जो भी संख्या मॉडुलस के अंदर उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। किसी भी मॉडुलस को डिफाइन करने का तरीका होता है ये, एक्स की जगह तो वन आएगी और यहाँ क्या होगा, टू वैल्यू हो जाएगी, एक्स की दो वैल्यू होंगे टू और वन और टू। लेकिन रियल नंबर नंबर लाइन खेलते हैं, पहले वन आता है फिर टू आता है, तो इसमें कितने कैसे बढ़ेंगे, पाँच, कौन कौन से, या तो एक्स माइनस टू से बड़ा होगा कम होगा, या वन और टू के बीच में होगा या टू से बड़ा होगा, तीन कैसे बढ़ेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट बढ़ाओ, चलिए बाद में लिखेंगे, पहले फंक्शन तो लिखो डिफाइन करके अच्छे से, क्या होगा एक्स लेस देन वन, एक क्या है बोलो, एक्स वन से बड़ा लेकिन टू से छोटा, और अगला क्या होगा, एक्स टू से बड़ा होगा। तो ठीक है, एक्स जब वन से कम है, एक्स के लिए अगर वन से कम आई, तो वन से कम आए तो ये क्या होगा बताओ, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या कहें नेगेटिव। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक्स वन से कम लोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, पता लगा आपको भाई, देखो एक्स वन से कम रहे तो जीरो लेकर देख लो ना, जीरो माइनस वन माइनस वन नेगेटिव आ रहा है, हटा दो मॉडुलस को बाहर नेगेटिव लगा देंगे। ये क्या हुआ, जीरो माइनस टू ये भी तो नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करेंगे, हटा देंगे मॉडुलस को बाहर लगा देंगे माइनस। ठीक है, ये तो हो गया माइनस वन से ना, वन से कम हो तो क्या होगा, वन और टू के बीच में लेकर देख लो, वन और टू के बीच में क्या लेकर देखें, वन पॉइंट फाइव ले लें, वन पॉइंट फाइव लोग गए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो हटा दो मॉडुलस को यहाँ लगा देंगे पॉजिटिव साइन, और 1.5 माइनस टू ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो मॉडुलस हटा देंगे बाहर क्या लगा देंगे माइनस। अब आ जाओ अगला पॉइंट क्या है, x इज मोर देन टू, टू से बड़ा लोगे, टू से बड़ा लोगे तो ये पॉजिटिव, थ्री लेके देख लो, थ्री माइनस वन टू, ये भी वन आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा, बताओ ये जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ मैं, देखो ढंग से कर दो सॉल्व, खोलो ब्रैकेट, तो क्या होगा माइनस एक्स, माइनस एक्स क्या होगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये प्लस वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, कब है, जब एक्स लेस देन वन है। अब आ जाओ एक्स एक्स कट जाएगा, क्या हो गया, प्लस का टू प्लस टू माइनस वन क्या होगा, वन आ जाएगा, वन कब आएगा, हेलो पड़ेगा टू एक्स माइनस थ्री। इसका तो हमने बेटा ग्राफ भी बना रखा है, आपने अगर ध्यान दिया होगा 6.2 में था ये वाला क्वेश्चन, इसका तो हमने ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, और ग्राफ से भी आपको बता रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर से आ गया, उसमें हमने कंटिन्यूटी चेक की थी, आज हम डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन ये कहीं हमने डिफाइन कर चुके पहले, तो आज मैंने फिर से बता दिया। ठीक है, ये हो गया डिफाइन। अब दो पॉइंट रखे थे, वन के ऊपर टू के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, तो वन रखे देखो इसके अंदर, एफ वन निकालो, एफ वन मतलब फंक्शन की वैल्यू वन के ऊपर निकालो, वन के ऊपर तो वन माइनस वन जीरो, या क्या होगा वन माइनस टू माइनस वन बचेगा, जीरो का मॉडल जीरो माइनस वन का मॉडल वन, तो जीरो प्लस वन क्या होगा, वन आएगा, तो वन आ रखा है जब एक्स वैल्यू वन है, तो टू के इक्वल हो गए, तो टू माइनस वन वन, वन का मॉडल वन, या क्या जीरो। ठीक है, तो टू हो तो भी वन, वन हो तो भी वन, और वन और टू के बीच में हो तो भी वन। ठीक है, ऐसे आपने करना, तो ये अपना फंक्शन बढ़ गया। ठीक, हमने इसको कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया है, अब क्या करना है, अब इस फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करनी है हमें, क्या करनी है इसकी डेरिवेबिलिटी, किसके ऊपर करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू किसके ऊपर, टू के ऊपर। ठीक है, अब टू पे डेरिवेटिव क्या करनी है, तो क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप बोलो, लगाओ पहले फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए क्या है, पॉइंट है जिस पर चेक कर रहे हैं, तो अपने पास ए क्या है, टू है अपने पास, तो टू माइनस हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है,
लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स वैल्यू कितनी है बताओ, फंक्शन कितना है, टू से कम है तो, जब एक्स टू से जब कम है तो फंक्शन वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे वन। एफ टू इसी फंक्शन में रखना है, जहाँ एक्स वहाँ पे टू रख देंगे एफ टू हो जाएगा, तो इसमें तो कोई एक्स है नहीं तो इसकी वैल्यू भी वन ही आएगी, क्योंकि टू के ऊपर देखो, टू के ऊपर जब एक्स टू के इक्वल है तो फंक्शन वैल्यू भी वन ही है, तो यहाँ लिख देंगे वन। ठीक है, क्या होगा बताओ यहाँ पे, बोलो क्या होगा, वन माइनस वन जीरो, जीरो अपन एक्स माइनस टू आएगा, क्या होगा आंसर, जीरो, क्योंकि जीरो बटा समथिंग जीरो ही होता है। चलो आगे देखो, राइट डायरेक्ट निकालेंगे, राइट डायरेक्ट का लिखो, पहले तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, आपने खूब अच्छे से याद कर लिया होगा। ए क्या है, ए तो वो पॉइंट है जिसमें हमने डायरेक्टिविटी चेक करनी है, तो टू के ऊपर चेक कर रहे तो ए के लिए टू हो जाएगी, एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, टू से बड़ा वगैरह, जब एक्स टू से बड़ा हो तो फंक्शन क्या होगा, टू एक्स माइनस थ्री, एफ ऑफ टू निकाल लो, इसी में जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे टू, तो टू इंटू टू फोर, फोर माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री ये क्या होगा वन, तो माइनस वन आएगा। अब देखो क्या होगा, टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, अब देखो क्या होगा, टू कॉमन निकाल देंगे कर देगा टू आ गया। अब देखो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो क्या होगा, सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, ये फंक्शन क्या डेरिवेबल नहीं है। इसी के साथ अपना ये जो है ना चैप्टर ये ख़त्म हो गया है, हालांकि अगर हम एक्सरसाइज को लेके देखें तब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमने इसको फिनिश कर दिया, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई जो तुम्हें बतानी पड़ेगी मुझे और समझनी भी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको अभी और करवाऊँगा, तो इसलिए आपको एक पार्ट और आएगा, उसको भी आपने फॉलो करना है, उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो आपको मिलेगा कल, फिलहाल आप इतना देखो। ठीक है।